हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है SAR ऑफ सिंपैथेटोमिमेटिक एजेंट्स। SAR मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सिंपैथेटोमिमेटिक यानी कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो केमिकल एजेंट या ड्रग्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं और वहां पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन न्यूरॉन्स पे उसके रिसेप्टर्स पे ये बाइंड करते हैं, मतलब उनसे रिएक्ट करके वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कम करते हैं। सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो बेसिकली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स और मिक्स्ड एक्शन ड्रग। इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली वो रिएक्ट करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से, डायरेक्टली बाइंड करते हैं और इसमें बाइंड भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में आपका एग्जांपल हो गया जैसे कि हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन, स्यूडो एफेड्रीन। इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के एग्जाम्पल हो गए नॉरएपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, फिनाइल एफरीन, डोपामिन, क्लोरोडीन और मिक्स्ड के एग्जाम्पल हो गए एफेड्रीन और मेटामिनोल। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है सिंपैथेटोमिमेटिक एजेंट्स का। तो जो सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग्स होते हैं उनको बीटा फिनाइल एथिलामाइन का डेरिवेटिव कंसिडर किया गया है, यानी कि जो इनका पैरेंट कंपाउंड होता है, जो मेन होता है, वो होता है बीटा फिनाइल एथिलामाइन। और स्ट्रक्चरली जो सब्स्टिट्यूशन है वो आपको पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए, ये मेन आपका बीटा फिनाइल एथिलामाइन यानी कि पैरेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। ये पोजीशनिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बीटा है और ये अल्फा पोजीशन है और यहाँ पे अमाइन ग्रुप है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक मतलब कि इस रिंग पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है और इस बीटा पे सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्फा पे सब्स्टिट्यूशन होता है, बीटा पे सब्स्टिट्यूशन होता है, या तो फिर अमाइन के साथ आपके ग्रुपिंग होती है, मतलब सब्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक रिंग पे बीटा इथाइलामाइन का सब्स्टिट्यूशन। अगर सपोज करिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के यानी कि इस बेंजीन रिंग के थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ड्रग को क्या देती है, मैक्सिमम अल्फा और बीटा एक्टिविटी देती है। यानी कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है तो जो ड्रग की ओवरऑल पोटेंशियल जो होगी वो कम होगी। उस हिसाब से देखिए, अगर हम फिनाइल एफरीन और एड्रेनलिन को कंपेयर करते हैं तो यहां पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेकिन यहां पे थर्ड और फोर्थ दोनों पे प्रेजेंट है, तो इसके कंपेयर में ये आपका ज्यादा पोटेंट होगा, यानी कि इसमें मैक्सिमम अल्फा और बीटा एक्टिविटी होगी। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो थ्री और फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट हो बल्कि सब्स्टिट्यूशन के साथ अमीनो नाइट्रोजन पे, तो वो आपको बीटा टू सेलेक्टिव ड्रग्स देती है। यानी कि यहाँ पे देखिए, इस ड्रग में पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि थर्ड और फिफ्थ पे अगर आपकी प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और प्लस आपका ये अमाइन के पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है तो वो ड्रग जो है वो आपको बीटा टू सेलेक्टिव होगी। टर्बिटलिन के कंपैरेटिव और सिप्रिनालिन जो है वो आपको जो है मैक्सिमम कार्डियक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे अगर सपोज करिए कि हाइड्रोक्सिल नहीं भी है तो अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है आपका अमाइन के पास, अमीनो नाइट्रोजन के पास, तो भी ये आपको जो है ज्यादा बीटा टू सेलेक्टिव एक्शन प्रोड्यूस करेगी, यानी कि ये ब्रोंकियल मसल को रिलैक्स करेगी और कार्डियक मसल को ये अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब है थर्ड ड्रग्स जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा अगर होता है तो उसमें एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के लिए सेलेक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे सैल्बुटामोल। यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोक्सिल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे थर्ड पे आपका हाइड्रोक्सिल के साथ आपका क्या है, दूसरा ग्रुप भी प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इस केस में इसकी जो सेलेक्टिविटी होगी वो काफी ज्यादा होगी। अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो एड्रेनर्जिक अमाइन पे या फिर वो अनसब्स्टिट्यूटेड हो तो वो इजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है और उसमें सीएनएस एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे एम्फेटामिन और एफेड्रीन में, एफेड्रीन जो है वो इजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि उसमें अमाइंस के ऊपर किसी तरह का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है या अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, तो ये आपको इसको ब्लड ब्रेन कैरियर्स के कैपेबल बनाती है। अगर सब्स्टिट्यूशन जो है, अब देखते हैं बीटा कार्बन पे, तो अगर बीटा कार्बन यानी कि यहाँ पे ये था अल्फा और ये था बीटा,
ठीक है। तो अगर बीटा कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ड्रग की डिक्रीज कर देता है, मतलब कि वो सेंट्रल स्टिमुलेंट ड्रग ज्यादा नहीं होता है और इसकी जो एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे इंक्रीज हो जाती है। देखिए यहाँ पे एफिड्रीन जो है वो लेस सेंट्रल स्टिमुलेंट है एज कम्पेयर टू एफिटामिन, क्योंकि यहाँ पे बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। तो अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑन दी अल्फा कार्बन। तो ये आपका पेरेंट स्ट्रक्चर था, ये जो पोजीशन होती है वो अल्फा होती है और ये बीटा होती है, ठीक। तो जब कोई भी ड्रग जिसका आपका अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसकी वजह से जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है यानी डिग्रेडेशन होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लंबा हो जाता है। जैसे कि देखिए एम्फेटामिन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है तो ये जो है वो आपको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के थ्रू डिग्रेड नहीं होता है, उसके लिए रेजिस्टेंट होता है। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑन दी अमीनो ग्रुप, यानी कि इस अमीनो ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन। तो जितना कम सब्स्टिट्यूशन होता है इस अमीनो ग्रुप पे उतना ही ज्यादा वो ड्रग आपका सेलेक्टिव होता है अल्फा रिसेप्टर के लिए। जैसे यहाँ पे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, एमिनो पे आपका वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये जो एड्रेनलिन है वो ज्यादा अल्फा सेलेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू नॉन एड्रेनलिन, ये अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। उसी तरह जितना ज्यादा आपका एल्किल सब्स्टिट्यूशन होता है अमीनो ग्रुप पे उतना ही ज्यादा वो बीटा सेलेक्टिव एक्शन शो करता है। जो फिनाइल रिंग होती है वो आपकी यानी कि ये जो फिनाइल रिंग है वो आपके अमीनो ग्रुप से टू कार्बन से सेपरेटेड होना चाहिए ताकि वो अपना मैक्सिमम ऑप्टिमल एक्टिविटी जो भी ड्रग है वो प्रोड्यूस कर सके। तो ये था अबाउट SAR ऑफ सिंपेथेटोमिमेटिक ड्रग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।